हे हाय एंड हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने जैस्मीन के पौधे पर बनाया है। इसे मोगरा का पौधा भी कहा जाता है। यह बेल की तरह का पौधा होता है। मैं इस वीडियो में आपको इस पौधे से अधिक फूल कैसे लें, इस बात की जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी हरित क्रांति मित्र प्रियंका कुमारी। फ्रेंड्स, ये जैस्मीन और मोगरा का पौधा जो होता है, यह विंटर सीजन में डोमिनेंसी में चला जाता है और ये सो जाता है, यानी कि इसमें फूलों की ग्रोथ नहीं होती, इसमें फूल नहीं आते। जैसे ही मौसम चेंज होता है, इसमें कलियाँ आने लगती हैं और फूलों से ये भर जाता है। जैस्मिन के पौधे में एक बार में ढेर सारे फूल खिलते हैं। देखिए, मेरा ये पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें पहले ही बहुत सारे फूल खिल चुके हैं। इसके सूखे हुए फूलों को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, जितनी भी शाखाएं इसमें हैं, सभी शाखाओं की टिप पर फूल आ चुके हैं। ये सूखे हुए फूल बचे हुए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पौधे में फ्रेंड्स एक ही जगह पर 2, 3, 4, 5 तक फूल खिलते हैं और ये फूल जो है मल्टीपेटल होते हैं। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। इस पौधे में गुच्छों में फूल आते हैं, यानी कि एक बार में ही पूरे पौधे में फूल आ जाते हैं। उसके बाद सभी फूल धीरे धीरे जो है वो सूखने लगते हैं। तो अब करना क्या है, जब भी ये फूल आने के बाद जब सूखने लगे, तो फिर जहाँ से ये फूल सूख रहे हैं, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ये जैसे कि ये फूल मेरा सूख रहा है, तो इसे हम यहाँ पर से कटिंग कर देंगे, यहाँ पर से कट कर देंगे। एक तेज़ धार वाली कैंची लेकर यहाँ से काट देंगे। इसी तरह से पूरे पौधे के सूखे हुए जो फूल हैं, उसके नीचे इसकी टहनी पर यहाँ से कटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि ये जो सूखा हुआ फूल है, ये तो पौधा से निकल ही जाएगा और साथ में पौधे के नीचे से नए नए ग्रोथ शुरू होंगे और वहाँ से नई नई डाली निकलेगी, उसमें फिर से नए नए फूल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, पौधे की कटिंग की इस प्रक्रिया को प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग, इसमें हम पौधे की टिप को तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के यूज़फुल वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। मैंने अपना गार्डनिंग का चैनल बनाया है। मैं अपने घर पर गार्डनिंग करती हूँ। मैं फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे लगाती हूँ। इनके बारे में अलग अलग जानकारी देती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो अनुभव करती हूँ, मैं जो खुद से कर चुकी होती हूँ, वही जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। इन सारे चीज़ों के पैसे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, ये सब कुछ फ्री है। तो आइए देखते हैं पौधे की प्रूनिंग कैसे करते हैं। पौधे की प्रूनिंग करते समय हम जितनी भी इसकी टहनियाँ हैं, सभी टहनियों के ऊपर के पोर्शन को काट देते हैं। और काटते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मेरा पूरा पूरा पौधा है, ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ है, इसके नीचे में ये प्याज का पौधा है, इसकी पत्तियाँ अभी हरी हैं, इसलिए मैंने इसमें अभी रहने दिया है। तो इसकी प्रूनिंग करते समय एक बात ये ध्यान में रखें कि ये पूरा पौधा जो है एक गोलाकार शेप में कट जाए। देखिए, ये पौधा जैसे ये है, इधर से ये छोटा है और इधर से ये थोड़ा लंबा बड़ा सा हो गया है। तो मैं इसे इस तरह से काटूंगी जैसे पूरा पौधा जो है गोलाकार शेप में हो जाए। और इसकी सभी डाली जहाँ जहाँ फूल लगे हुए थे, सूखे फूल हैं जो सूख गए हैं, वो सारे जो हैं कट जाएँ। तो इसके लिए मैंने एक सीज़र लिया है। ये सीज़र को मैंने स्टेरलाइज कर लिया है पहले ही। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसको कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। देखिए, प्रूनिंग के लिए ये पुराना पुराना फूल यहाँ पर था मेरा, तो मैं इस फूल के नीचे वाली पत्ती के इधर से इसको यहाँ से काट दूँगी। ये मेरी दूसरी डाली है जहाँ पे ये फूल सूखा पड़ा है, तो इसके नीचे से मैं इसे यहाँ से काट दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी ये इस डाली को भी मैं यहाँ नीचे से काट दूँगी। तो जब भी आप डाली के ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे ऊपर से यहाँ से मैंने प्रूनिंग कर दी, इसको काट दी, तो अब इसके नीचे से, इसके जॉइंट से अलग अलग यहाँ यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे।
जैसे इस डाली को मैं अगर यहाँ से काट दूँगी तो इसके नीचे से, इसके यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे और उस ब्रांच में फिर से फूल खिलने लगेंगे। तो यह पौधा मेरा पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा और इसमें पहले से ज़्यादा फूल आएंगे और जल्दी फूल आएंगे। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ये पौधा फिर से जो है वो फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप भी अपनाइए और अपने जैस्मिन को हरा भरा रखिए, फूलों से महकाइए अपने घर को और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।